And Abhimani ICE is a platform uh, which prepares you for your UPSC and PCS examination with the journey. It has more than 23 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. And if you wish to cover uh, current affairs holistically, so this is the course that is already being going on, current affairs, and it is for both pre and mains, and it is available both in offline and online format.

वो फिर भी होगी वो कौन सी है? वो भी हम देखते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि currently कितने टाइप के जो फॉर्म है वो आपको मिलते हैं चलिए लेट्स इसके अंदर आई टी आर फॉर्म नंबर वन एंड आई टी आर फॉर्म नंबर फोर ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक नाम भी है अलग से तो इसके ऊपर भी एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है सहज ज दी आई टी आर फोर फॉर्म बट सहज इज दी आर फॉर्म वन तो ये स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर सहज फॉर्म कैन बी फाइल्ड बाई इंडिविजुअल ठीक है अर्निंग फ्रॉम किस से सैलरी हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एफ डी वगैरह उस पर कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट के ऊपर है तो दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर इसका नाम है सहज वी हैल प्रॉपर्टी देन वी हैव इनकम एज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेसिस

न बी फाइल्ड बाई इंडिविजुअल इनकम अपी लैक्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तो यहाँ पे अगर एच यू एफ है या कोई फॉर्म है तो अपटू फिफ्टी लैक्स वाले इसके थ्रू भर सकते हैं आई टी आर फाइव एंड सिक्स आर फॉर एल एल पी विच आर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये क्या होती है इस वीडियो में टू द पॉइंट के अंदर हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे हाउ एवर दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स दीज आर कवर्ड इन क्लास इट कि एल एल पी क्या है कि अगर इनकेस किसी का इकोनॉमी मॉड्यूल जो है वो डन नहीं हुआ एंड एल एल के ऊपर क्लैरिटी नहीं है तो इस टाइप की चीजें क्लास में कवर हो जाती है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लिंक इज डाउन देयर टेक अ सेवन डे फ्री ट्रायल ऑफ द क्लास एंड देन मे बी ज्वाइन एंड उसके बाद में योर करंट अफेयर थिंग विल बी सॉर्टेड वंस एंड फॉर ऑल एंड बिजनेस इज रिस्पेक्टिवली फाइव वन इज फॉर एल एल पी is for the businesses respectively. ये याद रखने वाली चीजें हैं ये आपको मैच टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, है ना? कि ITR 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दिया और वहां पे एक जगह पे सिर्फ सहज सुगम लिख दिया और फॉर बिजनेस लिख दिया तो आपको मैच करना है कौन सा क्या है तो इनकेस अगर आपने ये देख रखा है देन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अदरवाइज इट इज द टफेस्ट आईटीआर सेवन ज फाइल्ड बाई ट्रस्ट एंड एनपीओ तो एनजीओ एनपीओ और ट्रस्ट जितने भी होते हैं एनपीओ कैन बी रजिस्टर्ड एज मतलब क्या है ऑल टैक्स पेयर बारिंग ट्रस्ट एंड एनपीओ विच इज आईटीआर सेवन विल बी एबल टू यूज अमन आई टी आर फॉर्म ठीक है बहुत सिंपल तो यह चेंज प्रपोज हुआ है कि एक से लेकर छह तक को कंबाइन करके एक कर देंगे और आईटीआर सेवन जो है उसको मे भी कोई नाम चेंज करके बट इट विल रिमेन डिफरेंट फॉर ट्रस्ट एंड एनपीओ कैसा आ सकता है इस पूरी चीज के ऊपर राइट सीबीडीटी अबाउट पहले हम थोड़ा सा अबाउट देखते हैं सीबीडीटी सवाल बाद में आएगा ओके okay. Dividity है क्या देखो इस टाइप का टॉपिक जब भी आता है हाउ एवर इट इज अ करंट अफेयर का टॉपिक बट ये चीज जो है ये स्टैटिक में आती है लेट अस सी कि इसका सीपोजिशन क्या है ये अपने आप में है क्या बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज अ टैक्सिस अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट तो इस एक्ट के थ्रू ये जो है आपकी बॉडी इससे अथॉरिटी ड्राइव करती है विच एक्ट इज इट सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 ये थोड़ा सा

1909 में आया था नहीं है ना तो ये नहीं है इसका एक्ट अलग है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 इसके मेंबर्स आप देख लीजिए हालांकि इतना कुछ आता नहीं है ये नहीं आएगा इसमें बस यहीं पे देख लीजिए और बस मेरी आवाज को सुन लीजिए तो हो सकता है आपको ये चीज जो है वो याद रहे इन केस अगर भूले भटके आपको तंग करने का मन हुआ यूपीएससी का तो पूछा जा सकता है ये द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सिस कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड फॉलोइंग सिक्स मेंबर्स कौन कौन से टी एंड रेवेन्यू इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू लेन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के होते हैं जो सेंट्रल बोर्ड इसका बनता है और उसका हेड कौन होता है इट इज चेयरमैन ब्रीफ सी हिस्ट्री उसकी और ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं यू कैन पॉज दीडियो दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड

राइट तो अगेन केयरफुल की यहाँ पे की वर्ड क्या है दिस क्वेश्चन मॉडरेट मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन में आएगा ये क्योंकि बहुत हिडन इन्फॉर्मेशन है जनरली हमें यह सब नहीं पता होता और खासकर जो ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट है कि रेवेन्यू एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री के तहत बनाए दिस ऑल्सो इज नॉट दैट कॉमन ऑफ द इंफॉर्मेशन आई होप दिस इंफॉर्मेटिव टू यू माई नेम इज रोहित गर्जा दिस इज टू द पॉइंट and you're watching abhimanyu ias